अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुश आमदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपने टाइटल के अंदर देख ही लिया होगा कि आज के लेक्चर के अंदर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ, जिसको इकोनॉमिक बाइंग क्वांटिटी यानी के EBQ भी कहा जाता है। तो आज के लेक्चर के अंदर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बात करेंगे, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर मटेरियल कॉस्टिंग में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। तो स्टूडेंट, जब भी आप स्टॉक लेवल की बात करते हैं कि स्टॉक लेवल मैक्सिमम हो, मिनिमम हो, रीऑर्डर लेवल हो, या एवरेज हो, या डेंजर हो, उससे पहले आपको ये जवाब देना पड़ता है या ये डिसीजन लेना पड़ता है कि आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होगी या क्या होगी, यानी कि एक बार में हमें कितना सामान खरीदना पड़ेगा। ठीक है जी, जिसको अगर मैं आगे कुछ पॉइंट्स में बात करने जाऊं तो इसका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि मैं कितनी क्वांटिटी परचेज करूंगा कि जिसमें मेरी कॉस्टिंग या मेरी कॉस्ट सबसे कम आए या उसके ऊपर मेरा खर्चा सबसे कम आए। क्या मैं वो मटेरियल, क्या वो मैं परचेजिंग एक साथ खरीद लूं या इन पार्ट्स खरीद लूं? अच्छा, अब अगर मैं सारा का सारा माल एक साथ वन टाइम खरीद लेता हूं तो मेरी स्टोरेज कैपेसिटी का भी तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं उस माल को रखूंगा कहां पर। अच्छा, उसमें से बहुत सारा पार्ट क्या पता वेस्ट हो जाए, अगर सोल्ड नहीं हुआ तो क्या पता चोरी हो जाए। अच्छा, मैंने सारा मटेरियल खरीदा है, सोल्ड आउट नहीं हुआ, मेरे फंड्स ब्लॉकेज हो सकती है, मुझे अमाउंट नहीं कलेक्ट हो पा रही, तो मैं आगे कैसे पे करूंगा। क्या पता कि मैंने उधार पर वो माल उठाया और मैं अपने सप्लायर को माल वापस तो दे नहीं सकता, पेमेंट करनी है, क्या पता मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़े और इंटरेस्ट बढ़ता जाए, तो जब तक मैं कमाऊंगा नहीं तो कैसे पे करूंगा। तो ये तमाम फैक्टर्स इन्वॉल्व इसके अंदर हो रहे होते हैं, जिसकी बिना पर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है इन रियलिटी फॉर डिसीजन मेकिंग कि हमें एक ऑर्डर के अंदर कितनी क्वांटिटी परचेज करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो इस चीज़ के अंदर सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो क्या है कि आपका एनुअल यूसेज कितना होगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लें कि आपकी सालाना क्वांटिटी या एनुअल रिक्वायरमेंट यूसेज कितना होगा, यानी कि आप अकॉर्डिंग टू यूसेज परचेज करेंगे। अच्छा, आपके पास ये वीकली, मंथली और क्वार्टरली, सेमी एनुअली भी दिया जा सकता है, लेकिन आप इसको हमेशा एनुअल में कन्वर्ट करके देखेंगे। ठीक है जी, उसके बाद आप ये देखेंगे एनुअल यूसेज, एनुअल यूसेज किस तरीके से आएगा कि आपकी एनुअल यूसेज क्वांटिटी में हमेशा बताया जाएगा। ठीक है, जो कि टोटल कॉस्ट को आप डिवाइड करेंगे पर यूनिट से तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अभी ये 6400 पीसेस को फिलहाल आप छोड़ दें, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या है। तो एनुअल यूसेज जिसको यू से आप रिप्रेजेंट कर लें या एनुअल रिक्वायरमेंट AR से आप रिप्रेजेंट कर लें, बात एक ही है। तो क्वांटिटी में हमेशा होगी और टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पर यूनिट कॉस्ट से ये फाइंड आउट हो सकता है। दूसरी चीज यहां पर जो आपको चाहिए वो है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर, या इसको प्लेसमेंट कॉस्ट कह लें, P से रिप्रेजेंट कर लें, सिंगल ऑर्डर ₹100 को भी फिलहाल अभी आप छोड़ दें। इसका मतलब क्या है, यानी कि आप जब एक ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उस एक ऑर्डर को प्लेस करने में इन अ सिंगल ऑर्डर आपकी कॉस्ट कितनी आती है। देखें, जैसा कि मैंने कहा कि आप तमाम मटेरियल एक टाइम में ले लें या इन पार्ट्स ले लें। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई मुझे बहुत सारी बुक्स चाहिए। ठीक है, दो कैटेगरीज में इसकी बना लेता हूं। फॉर एग्जांपल मुझे 500 बुक्स चाहिए और मैं नाजमाबाद में रहता हूं और मुझे सदर बाजार जाना पड़ता है और सारी बुक्स मैं एक बार में लेकर आता हूं, तो फॉर एग्जांपल उसके ऊपर मेरा पेट्रोल का खर्चा ₹200 का आता है, तो एक टाइम में एक खर्चा हो गया। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब अगर इस 500 को मैं 5 टुकड़ों में तोड़ दूं, यानी कि पहले 100 बुक्स ले आया, फिर 100 बुक्स ले आया, फिर 100 बुक्स ले आया, फिर 100, फिर 100, तो मेरे 5 चक्कर लग जाएंगे और उस हिसाब से मेरी कॉस्ट भी जो है वो प्लेसमेंट ऑर्डर या प्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होगी। जी सर, बिल्कुल होगी। ठीक है जी,
तो इसमें आपने तीसरी चीज को फिर क्या देखना है, स्टोरेज को भी देखना है, जिसको हम रिप्रेजेंट नॉर्मली एस से कर रहे होंगे, स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट से क्या मुराद होगा, अभी या 8 रुपीज को आप इग्नोर कर दें। स्टोरेज कॉस्ट से मुराद ये होगा कि आप एक यूनिट को संभालने के लिए, पर यूनिट, एक यूनिट को संभालने के लिए कब, 1 साल तक कितनी कॉस्ट बियर करेंगे, इसको कहते हैं स्टोरेज कॉस्ट। ठीक है जी। तो अब आप एक चीज देखें कि आपके पास चौथी चीज जो है वो प्राइस ऑफ 1 यूनिट है कि फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल जो मैं आपको आज कैलकुलेशन समझाने लगूंगा उसमें ये प्राइस ऑफ यूनिट है, फिलहाल अभी हम इसको नहीं ले रहे, ये चौथी चीज है। लेकिन आपके पास जो सबसे मेन चीज है वो ये तीन चीजें हैं जो कि आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर काम आएंगी और इनके ऊपर आपने डिसीजन लेना होता है। ठीक है जी। बहरहाल ये जो नीचे पॉइंट है इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि प्लेसमेंट कॉस्ट यानी कि सिंगल ऑर्डर की जो कॉस्ट है और स्टोरेज कॉस्ट है उसका रिवर्स कनेक्शन होता है। रिवर्स कनेक्शन किस तरीके से होता है कि अगर मैं ये यहां पर जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि 500 बुक्स एक ही बार में ले आऊंगा तो मेरे को स्टोरेज कॉस्ट भी बचानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा स्टोरेज की उसके ऊपर कॉस्ट आएगी, 500 बुक्स मैं रखूंगा कहाँ, ठीक है ना, तो मेरा पेट्रोल का खर्चा तो कम होगा। लेकिन अगर मैं कम कम बुक्स लाता हूँ, ठीक है, कम कम बुक्स लाता हूँ, 100 बुक्स लाया लेकिन चक्कर मेरे 5 लग गए तो मेरी प्लेसमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो ये इनका आपस में रिवर्स कनेक्शन होता है। टोटल मटेरियल कॉस्ट 6400 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 3,20,000। इसका मतलब क्या है, देखें हमने पहली बात क्या की कि हमारा एनुअल यूसेज हमें यहाँ पर चाहिए, ठीक है। दूसरी प्लेसमेंट कॉस्ट चाहिए कि एक सिंगल ऑर्डर करने में मुझे कितने मेरा कितना एक्सपेंडिचर या मेरा कितना खर्चा हो जाता है फर्स्ट टाइम एक बार में, ठीक है। तीसरी चीज पर यूनिट, एक यूनिट को 1 साल रखने की मैं कॉस्ट कितनी बेयर करता हूँ, ठीक है। ये तीन चीजें मुझे चाहिए। इसके ऊपर हम ये डिसाइड करते हैं कि मुझे पार्ट्स में सामान मंगवाना चाहिए या एक साथ, और पार्ट्स में भी यानी कि अलहदा अलहदा टुकड़ों टुकड़ों में भी कितने टुकड़े या कितने यूनिट्स मंगवाने चाहिए ताकि मेरी उस लेवल पे सबसे कम कॉस्ट आ जाए। ठीक है जी। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये एग्जाम्पल के तौर पर कुछ फिगर्स लिए हैं, ठीक है जी, और इसको पहले हम मैनुअल सिस्टम से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमने आपको समझाने के लिए एनुअल यूसेज फॉर एग्जाम्पल 6400 पीसेस का लिया है, और हम ये मानकर चलते हैं कि मेरी सिंगल ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट जो आती है वो 100 रुपये की आती है, और स्टोरेज कॉस्ट एक यूनिट को 1 साल के लिए रखने में मैं 8 रुपये बेयर करता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, प्राइस वो जो मटेरियल मैं ख़रीद रहा हूँ वो एक यूनिट की 50 रुपये है। अच्छा, इसको मैंने यहाँ पर टोटल कर दिया कि टोटल मटेरियल कॉस्ट 64,000 यूनिट ख़रीद रहा हूँ और एक यूनिट 50 का है, तो ये टोटल कॉस्ट मेरी तो 3,20,000 रुपये ये फिक्स मुझे पड़ती है। ठीक है जी। लेकिन मैं बात करूँगा किसकी, बाकी दो फैक्टर्स या तीन फैक्टर्स के ऊपर जिससे हमने डिसीजन को चेंज करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले आते हैं किसमें, मैनुअल सिस्टम में। मैनुअल सिस्टम में आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने सबसे पहले चार्ट के अंदर क्या किया, नंबर ऑफ यूनिट्स इन ऑर्डर, कि कितने यूनिट्स आपने ऑर्डर करने हैं। अगर मैं 6400 करूँ, फिर हाफ कर ली 3,200 करूँ, फिर हाफ कर लूँ 1,600, 800, 400, फिर 200, फिर 100, ठीक है ना। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 किस्म के मेरे पास लेवल मौजूद हैं कि इतने इतने टुकड़ों में मैं अगर सामान मंगवाऊँ, तो अगर मैं सारा सामान एक साथ 6400 मंगवाता हूँ तो मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर कितने देने पड़ेंगे, 1। अगर मैं उसका आधा करता हूँ तो फिर 2 ऑर्डर, उसका भी आधा करता हूँ तो 16, 16, 3200, फिर 16, फिर 16, 64, 4 ऑर्डर, और 800, 800 करके मंगवाता हूँ तो 8 ऑर्डर, 400 करके मंगवाता हूँ तो 16 ऑर्डर, 200, 200 करके मंगवाता हूँ तो 32 ऑर्डर, और 100, 100 करके मंगवाता हूँ तो 64 ऑर्डर्स मेरे आ जाएंगे। ठीक है जी। तो उसके बाद हम ये देखेंगे, पहली चीज जो हमने कॉस्ट के ऊपर बात करनी है वो पहली चीज क्या है, ऑर्डर कॉस्ट। अगर के जैसे कि मैंने कहा कि प्लेसमेंट कॉस्ट एक ऑर्डर की 100 रुपये है, अगर मैं एक ही बार में ले आता हूँ तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1, तो मेरी ऑर्डर कॉस्ट 100 रुपये आएगी। तो अगर मैं 2 टुकड़ों में मंगवाता हूँ, 2 फेरों में मंगवाता हूँ, तो मेरी कॉस्ट 200 आएगी। 4 में करता हूँ तो मेरी कॉस्ट 400 आएगी। अभी यहाँ पर मैं आपको प्लेसमेंट और
स्टोरेज कॉस्ट की रिवर्स वाला पार्ट भी दोबारा बता दूंगा। अच्छा, अगर आप 8 में मंगवाते हैं तो बढ़कर 800 हो जाएगी, और अगर 16 में मंगवाता हूँ तो 16, 32 में मंगवाता हूँ तो 32, और 64 में मंगवाता हूँ तो 6400। तो आप देख सकते हैं कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स मैं करूँगा उतनी ही ज़्यादा मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके जी। अच्छा, सेकंड चीज़ जो इसके अंदर हम देखते हैं वो हम ये देखते हैं कि एवरेज क्वांटिटी हमारी कितनी होगी, ठीक है ना, जो कि हमने ऑर्डर करनी है। इसके अंदर हम हमेशा एवरेज क्वांटिटी लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि हमने 64,000 ही सब में रख दिया या 6400 ही सब में रख दिया। अब हो सकता है कि पहले दिन इतना माल खरीदा, उसमें से पहले दिन 200 यूनिट बिक गए, अब ये कितने रह गए, 6200। तो हमेशा जब भी हमने क्वांटिटी लेनी है वो एवरेज की बेस के ऊपर लेनी है। तो एवरेज क्वांटिटी का फॉर्मूला ऑर्डर क्वांटिटी की, कितना ऑर्डर किया डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास आ जाएगा ऑर्डर, सॉरी एवरेज क्वांटिटी। तो आपके पास 6400 डिवाइडेड बाय 2 तो 3200, 3200 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2 1600, 1600 डिवाइडेड बाय, ये सारी क्वांटिटी यहाँ से नंबर ऑफ ऑर्डर से ले रहा हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो 800 की क्वांटिटी, 800 को डिवाइड किया 2 से तो आपके पास 400, 400 को 2 से किया तो 200, 200 को 2 से किया तो 100, और 100 को 2 से किया तो एवरेज क्वांटिटी 50 आ जाएगी। तो इस एवरेज की बेस के ऊपर एवरेज स्टोरेज कॉस्ट कितनी निकलेगी, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि अगर फॉर एग्जांपल आप पूरा साल का करते हैं तो 6400 पूरा साल तो मौजूद नहीं होंगे ना, उसमें से कुछ बिका होगा। हो भी सकता है कि आई ना सारा माल जो है वो बिक जाए और फिर हमें दोबारा ऑर्डर करना पड़े, ठीक है। इसलिए हम हमेशा जब भी स्टोरेज कॉस्ट लेंगे एवरेज क्वांटिटी की बेस के ऊपर लेंगे। तो हमने बात की थी कि एक यूनिट को संभालने के लिए 8 रुपये पड़ते हैं, तो एवरेज के मुताबिक अगर मैं 64 वाले ऑर्डर की बात करता हूँ तो उसकी एवरेज क्वांटिटी 3200, तो एवरेज कॉस्ट मेरी जो पूरे साल की पड़ेगी वो 25,600। 16 की बात करूँ तो 8 से मल्टीप्लाई किया 12,800, 800 मल्टीप्लाई बाय 800 अगर मैं एवरेज लेता हूँ तो 6400, और 400 मल्टीप्लाई बाय 8 तो 3200, 200 अगर मैं यूनिट करता हूँ एवरेज तो 8 से मल्टीप्लाई किया 1600, 100 को मल्टीप्लाई करता हूँ 800 से तो एवरेज मेरी 800 स्टोरेज कॉस्ट, और 50 यूनिट्स अगर करता हूँ तो 400 रुपये मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी, सॉरी स्टोरेज कॉस्ट आ जाएगी पर यूनिट के हिसाब से और टोटल के हिसाब से भी। तो ये मेरी स्टोरेज कॉस्ट है, और अब आप ये इसको देख सकते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। और ऑर्डर कॉस्ट के अंदर हमने बात की थी कि जितने ज़्यादा ऑर्डर करोगे तो ये इंक्रीज़ होती जाएगी, ये आपका रिवर्स कनेक्शन है। अच्छा जी, ठीक हो गया, यहाँ तक के बाद आपको समझ में आ जाएगी। ये परचेज़ कॉस्ट जो है वो जो हमने 320 निकाली थी 6400 मल्टीप्लाई बाई 50, इसको फ़िलहाल के लिए मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं देखना है, ठीक है जी। तो इस मैनुअल सिस्टम से हमने ये डिसाइड करना है कि हमारी सबसे कम कॉस्ट कहाँ पर आ रही है, पहली तो ये रही, दूसरी ये रही, इन दोनों को हम प्लस करवा के ये टोटल ऑर्डर कॉस्ट लेंगे, और इसमें जो सबसे मिनिमम लेवल होगा वो हमारा बेस्ट लेवल होगा जिसको हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहेंगे, जिसको मैं फॉर्मूले से भी समझाता हूँ। तो इन दोनों का प्लस अगर मैं 6400 पर करवाऊँ तो मेरा ऑर्डर और स्टोरेज कॉस्ट 25,700 आएगी, अगर मैं 3200 मंगवाता हूँ तो 13,000, और अगर 6,800 कॉस्ट बेयर करनी है तो मुझे 1600 मंगवाने पड़ेंगे। 800 पर जाता हूँ तो 4,000, ठीक है जी, और अगर 400 यूनिट मंगवाता हूँ तो 3,200 टोटल कॉस्ट, यानी कि ऑर्डर और स्टोरेज की, और अगर 200 मंगवाता हूँ तो ये 3,200 से फिर ऊपर चला गया 4,000, और उसके बाद 6,800 जब 100 यूनिट में मंगवाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा था कम हुआ, कम हुआ सबसे कम लेवल पर ये आया, और उसके बाद फिर इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो रेड से मैंने आपको लिखकर बताया, अलग से हाईलाइट किया है, यही मेरा बेस्ट लेवल है, बेस्ट लेवल है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, जहाँ पर मुझे ऑर्डर करना चाहिए या नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस करने चाहिए, जिसमें मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डर सबसे कम आएगी। और इसके अंदर एक बात आप देख लें कॉमन, कि इस लेवल के ऊपर हमेशा आपकी एवरेज स्टोरेज कॉस्ट और ऑर्डर कॉस्ट हमेशा हमेशा सेम आएगी, ठीक है जी, ये बात हमेशा याद रखिएगा, सेम आएगी, और इसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका फॉर्मूला बनेगा जो कि मैं आपको बताता हूँ। तो हमारी ऑर्डर कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इक्वल आ रही है, यानी कि यही हमारा बेस्ट लेवल है, ये मैनुअल सिस्टम से तो हमने
डिस्कस कर लिया। अब इसी रिजल्ट को हम चेक करते हैं अपने फॉर्मूले से। हमने क्या बात की, हमने ये बात की कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो लेवल होगा जहां हमारी ऑर्डर कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट क्या होगी, आपस में बराबर होगी। ओके हो गया। ऑर्डर कॉस्ट हमारी कैसे आती है, ऑर्डर कॉस्ट हमारी आती है यूसेज, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय प्लेसमेंट कॉस्ट और डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी। बराबर है किसके, स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट कैसे आती है, ऑर्डर क्वांटिटी ये जो एवरेज हमने ली थी मल्टीप्लाई बाय स्टोरेज कॉस्ट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, ये एवरेज आ गया। अच्छा जी, अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व किया जाएगा, फर्दर ऐसे सॉल्व किया जाएगा कि ये 2 डिवाइड हो रहा है, ये वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो अब मैंने इसको जो है उसमें आपके जो रिप्रेजेंटेटिव वेरिएबल्स हैं उसमें मैंने कन्वर्ट कर दिया कि यूसेज को यू से रिप्रेजेंट करूँगा और पी माना प्लेसमेंट कॉस्ट हो जाएगी और ओ की ऑर्डर क्वांटिटी और एस जो है स्टोरेज कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। 2 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों से, तो 2 मल्टीप्लाई बाई यू मल्टीप्लाई बाई पी डिवाइडेड बाई ऑर्डर क्वांटिटी आ गया और यहाँ पर रह गया ऑर्डर क्वांटिटी और स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे गए तो ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 यू मल्टीप्लाई बाई पी रह जाएगा, ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई स्टोरेज कॉस्ट। तो आगे रिजल्ट क्या देगा, तो ये तो सेम रहेगा, 2 यूसेज मल्टीप्लाई बाय प्लेसमेंट ऑर्डर इज इक्वल टू ओ क्यू मल्टीप्लाई बाय ओ क्यू, बेसिस सेम, पावर्स आर एडेड, तो स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय एस सेम रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद एस एस से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2 यू पी यानी कि यूसेज और प्लेसमेंट कॉस्ट आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय एस स्टोरेज कॉस्ट आ जाएगा और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का स्क्वायर अकेला रह जाएगा। स्क्वायर को हटाने के लिए रूट लगा देंगे आप बोथ साइड, ठीक है ना, तो जब आप बोथ साइड लगाएंगे तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर ये रूट में ये आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने डायरेक्टली लिख दिया, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी किसके बराबर होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय यूसेज या एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय प्लेसमेंट कॉस्ट और एस स्टोरेज कॉस्ट, जिसको आप सी सी भी कहते हैं, यानी कि कैरिंग कॉस्ट, ठीक है ना, कैरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। ओके जी, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, ये लॉजिक है आपके फॉर्मूले के बनने की, जो कि आपको मैंने मैनुअल सिस्टम से बताया। अब उसी बेस्ट ऑर्डर को हम फॉर्मूले के थ्रू चेक करते हैं। अच्छा जी, हमने बात की थी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे आएगी, 2 जो यहाँ से एवरेज का था मल्टीप्लाई बाय एनुअल रिक्वायरमेंट यानी कि एनुअल यूसेज 6400 का था, मल्टीप्लाई बाय प्लेसमेंट कॉस्ट हमारी 100 थी और डिवाइडेड बाय एस स्टोरेज कॉस्ट, एक यूनिट को एक साल के लिए संभालने की कॉस्ट 8 रुपये। जब हमने इन ऊपर वाले तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो 12,08,000 आंसर आया, डिवाइडेड बाय 8 किया तो ये हमारे पास 1,60,000 आ गया और उसके बाद हमने इसका रूट निकाला तो हमारे पास आंसर क्या आया, सर हमारे पास आंसर आया 400 पीसेस, कि हमें 400 पीसेस का ऑर्डर देना चाहिए। ये हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बेस्ट लेवल है, जो कि आप पिछले क्या कहते हैं कि स्लाइड पर देख भी सकते हैं कि हमारा इस सिस्टम में सबसे बेस्ट लेवल क्या आया था, मैनुअल सिस्टम में 400 आया था, ठीक है, उससे आंसर मैच हो रहा है। तो आई होप कि यहाँ तक के बाद आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अब एक बात मज़ीद समझ लें इस फॉर्मूले के हवाले से कुछ, कि ये फार्मूला जो है ना वो है कंडीशनल फार्मूला। क्यों, क्योंकि ये उसी टाइम वर्क करेगा जब आपकी परचेज प्राइस होगी फिक्स, ठीक है ना। परचेज प्राइस क्या होगी, फिक्स, यानी कि आपने जितने की कॉस्ट जितने भी सामान खरीदा वो एक ही प्राइस पर खरीदा, लेकिन अगर उसके अंदर फ्लक्चुएशन आई, यानी कि सप्लायर ने बोला हम भाई हैवी क्वांटिटी पर आपको डिस्काउंट दे देंगे, कुछ बारगेनिंग कर लेंगे या प्राइस चेंज होगी, तब ये फार्मूला क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर परचेजिंग प्राइस वेरी करती है तो आप फिर जो डिसीजन लोगे वो इस फॉर्मूले की बेस के ऊपर नहीं लोगे, जो मैनुअल सिस्टम या मैनुअल वर्किंग हमने पीछे की है उसी की बेस के ऊपर आपने डिसीजन मेकिंग करनी है। सो आई होप कि आपको ये पहला लेक्चर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का विद एग्जाम्पल विद कंप्यूटेशन लॉजिक ऑफ द फॉर्मूला समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप का नंबर जो है वो थंबनेल में मौजूद है, फेसबुक की आईडी मौजूद है, उस पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अंदर कंप्यूटेशन करते हुए कोई भी अगर मुझसे गलती हो जाए तो आप उसकी भी करेक्शन करवा सकते हैं।